भारत सरकार जल्दी ही देश भर के नागरिकों के लिए एक हेल्थ कार्ड जारी करने जा रही है। आपको यह बता दूं, यह हेल्थ कार्ड जो कि देश भर में आप कहीं पर भी अपना इलाज कराने जाएंगे, डॉक्टर आपके उस कार्ड के माध्यम से आपका पिछला पूरा डाटा देख लेगा। उस डाटा के अंदर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई इलाज किया गया है या इलाज हो रहा है, उस सब का पूरा एक डाटा उसके अंदर कार्ड में मिल जाएगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि यह देश के हर नागरिक को यह कार्ड जारी होगा। इस कार्ड के सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपको पिछली रिपोर्ट दिखाने की किसी भी डॉक्टर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पिछले क्या इलाज कराया है, क्या दवाइयाँ ली है, किस बीमारी के लिए है, यह अपने आप में एक राष्ट्रव्यापी एकमात्र कार्ड होगा। इस कार्ड की विशेषता यह भी होगी कि कोई भी डॉक्टर इसको ना तो एडिट कर पाएगा, ना आपके किसी भी डाटा को कॉपी कर पाएगा। यह एक 14 डिजिट वाला कार्ड होगा जो कि देश भर के कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। इसके अंदर जो भी डाटा आपका होगा, वह जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी, कोई भी डॉक्टर आपके डाटा को देख नहीं पाएगा और साथ ही पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपके फ़ोन के ऊपर एक तरीके का OTP जाएगा। जिस OTP को आप देंगे और आपकी रजामंदी होगी, तभी कोई इस आपके पुरानी केस हिस्ट्री को देख पाएगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि PMDHM के नाम से एक नई योजना शुरू कर रही है, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी सोमवार यानी 27 सितंबर 2021 को होना है। इस योजना के तहत हर भारतीय को एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा, जिससे व्यक्ति के शरीर और सेहत से जुड़ी हर जानकारी डिजिटल तौर पर मिल जाएगी। अभी यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख में चल रही है। आपको यहाँ पे याद दिला दें कि इससे पहले यह योजना राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से चल रही थी। इस हेल्थ आईडी कार्ड में 14 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी। इस आईडी में किसी भी व्यक्ति का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा और यह रिकॉर्ड सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहेगा, जिससे कि देश में कहीं भी इलाज के लिए जाने पर कार्ड से डॉक्टर को संबंधित व्यक्ति के सेहत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे हर बार नए या फिर से टेस्ट कराने का पैसा और वक्त बचेगा। PMDHM में कार्ड होल्डर की इजाज़त के बाद इसका डाटा इनक्रिप्शन के साथ सेंट्रल नेटवर्क पर स्टोर रहेगा। यह डाटा भी डॉक्टर उसकी इजाज़त के बिना नहीं देख सकता। इसके लिए पहले मोबाइल पर OTP आएगा और इस OTP को डालने के बाद ही डॉक्टर उसे देख सकेगा, लेकिन डॉक्टर इसे ना तो एडिट कर सकता है और ना ही कॉपी कर पाएगा। इस योजना के शुरू होने के बाद कोई भी व्यक्ति मिशन की वेबसाइट पर जाकर अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकता है। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।